सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग, एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे टिप्स जो कि आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और जितने भी टिप्स हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड है। और हाँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं आज की वीडियो देखने के बाद आपके मसल बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट स्टेप जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा वो है कि इवनिंग वर्कआउट इज ऑलवेज बेटर अगर बात हो मसल बिल्डिंग की। वैसे तो एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आप कभी भी करो दिन में, बट अगर आप सीरियस हो मसल बिल्डिंग को लेके तो अर्ली इवनिंग वर्कआउट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अर्ली इवनिंग मीन्स बिटवीन 4 to 6 PM, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का वो यही कहता है। और हाँ, इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं। जितने भी लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं वो प्रॉपरली फ्यूल्ड अप होते हैं, क्योंकि उनको दिन में काफी टाइम मिल जाता है मील्स करने का। और जब वो अर्ली इवनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा पाई गई है, उनके एनर्जी लेवल ज्यादा मिले एज कंपेयर टू मॉर्निंग पर्सन, जो कि उनको हेल्प करती है एक्सरसाइज को बेटर तरीके से परफॉर्म करने में। और ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अर्ली इवनिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो पीक पे होती है, जिसकी वजह से अगेन आप अच्छी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाते हो, और जो कि अगेन मसल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। और एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अर्ली इवनिंग में आपका टेस्टोस्टेरोन टू कोर्टिसोल रेशियो जो है वो हाईएस्ट होता है, मींस आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होता है और कोर्टिसोल आपका कम रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में रहती है। और हाँ, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम प्री वर्कआउट का सेवन करते हैं तो रात को अच्छे से सो नहीं पाते, उन लोगों को भी अर्ली इवनिंग वर्कआउट करना चाहिए, सो दैट प्री वर्कआउट का असर सोने के टाइम तक कम हो जाए और वो एक अच्छी नींद ले पाए, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर पॉसिबल है आप शाम को जल्दी वर्कआउट कर सकते हैं तो प्लीज करें, आपको मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। सेकेंड टिप मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा कि कीप चेंजिंग योर वर्कआउट शेड्यूल, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके का वर्कआउट शेड्यूल बहुत लंबे समय तक फॉलो करते रहोगे तो आपकी बॉडी तो यूज टू हो जाएगी और रिजल्ट नहीं आएंगे। यानी आपको हर 4 से 6 हफ्ते में अपने वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करने चाहिए। आप सिंगल बॉडी पार्ट करते हो, यानी आप हफ्ते में एक मसल को एक बार ट्रेन करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी आपको डबल बॉडी पार्ट भी ट्राई करना चाहिए, मींस जब आप हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 2 बार हिट करोगे। अगर बात करें रेपिटेशन रेंज की तो बहुत सारे लोगों को मैंने जिम में देखा है वो 8 to 12 रेपिटेशन रेंज फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको 8 to 12 रेपिटेशन रेंज छोड़ के कभी कभी 4 से 6 हफ्ते 4 to 6 रेपिटेशन रेंज फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकोगे, हाइपरट्रॉफी अच्छे से होगी और आपका मसल बिल्ड बहुत अच्छे से होगा। और मसल बिल्डिंग के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हैं, 1 दिन रेस्ट रखते हैं, कभी कभी आपको उसको छोड़ के 4 से 6 हफ्ते के लिए हफ्ते में 4 से 5 ट्रेनिंग सेशन करने चाहिए, 2 से 3 रेस्ट रखने चाहिए, जो कि आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जब भी आप वर्कआउट करें मेक श्योर 1 घंटे 15 मिनट में आपका वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए, यानी बातें कम करें और एक्सरसाइज पे ध्यान रखें। ये सभी चेंजेस करने के बाद आप खुद जाने कि आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फॉलो करने से रिजल्ट आए, यानी आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ करने से सबसे ज़्यादा रिजल्ट आए, वो चीज़ को आपको फिर ज़्यादा करना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मसल बिल्डिंग। थर्ड टिप जो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए वो है कैलोरी सरप्लस।
अब इससे आप मतलब समझ ही गए होंगे कि अगर आप एक्चुअली में सीरियस हो मसल बिल्डिंग को लेके, तो आपको बहुत खाना पड़ेगा। बहुत मीन्स आपको दिन में 6 से 8 मील करनी पड़ेंगी। हर मील में पोर्शन जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आप मसल बिल्ड कर पाओगे। हम सभी को पता है प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक, तो हमेशा हमारा फोकस रहता है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही आपकी बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं। मींस जब भी आप एक्सरसाइज करोगे आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाए होंगे तो आप अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, थकोगे नहीं, जो कि अगेन मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कैलोरी सरप्लस के नाम पे आप कुछ भी नहीं खा सकते, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मीठा। मेक श्योर अच्छे कार्बोहाइड्रेट खाएं, लाइक ओट्स, आलू, चावल, शकरकंदी, इस तरह के, और गुड फैट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो टोटल नंबर ऑफ कैलोरी आपको जितनी भी खानी है उसमें से 30 से 35% प्रोटीन से आनी चाहिए, 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट से और 10 से 15% फैट से। और हाँ, अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो हर 2 से 2.5 घंटे में खाने की आदत डाल लो। थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत फुल लगेगा, अनइजीनेस होगी, बट मसल बिल्डिंग का एकमात्र इलाज है खाना, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मसल्स का ध्यान रखना जरूरी है, वैसे ही आप सभी लोगों का अपनी स्किन का ध्यान रखना भी जरूरी है, स्पेशली जिनकी स्किन सेंसिटिव है और एक्ने प्रोन है। उस तरह उन सभी लोगों के लिए लेके आया है नीम एंड चारकोल एक्ने कंट्रोल फेस वॉश। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन को पिंपल फ्री रखेगा और स्किन पे हुए डैमेज को ठीक करेगा। इसके साथ साथ ये एक्सेस ऑयल और डर्ट को भी रिमूव करेगा। ये एक ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन है जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं किया गया है, तो इसको आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हो। फेस को थोड़ा गीला कर लें, उस तरह नीम एंड चारकोल फेस वॉश को अच्छे से फेस पे अप्लाई करें। इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि ये केमिकल फ्री है और आपको मिलेगी एक्ने फ्री हेल्दी स्किन। अगर आप भी प्रोडक्ट चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। 4th टिप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है रिकवरी। एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना सब सही है, बट आप जिम में मसल को ब्रेक डाउन करते हो। मसल बिल्डिंग शुरू होता है जिम के बाद जब आप रिकवरी करते हो, जिसके लिए आपको रात को 8 घंटे डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे रहते हैं और आपकी बॉडी में जीएच की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको मसल ग्रोथ में हेल्प मिलती है। इसी के साथ साथ आपको मसाजेस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से नहीं करा सकते तो मेक श्योर हफ्ते में 2 बार आप किसी भी ऑयल से पूरी बॉडी मसाज करें, जिसकी वजह से आपकी फेशियल स्किन लूज रहेगी, आपकी बॉडी में बेटर ब्लड फ्लो होगा। और जो लोग एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते वो प्लीज़ एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपका उससे लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है और आपका मसल रिकवर करता है बेटर तरीके से। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मसल बिल्डिंग, आपको रिकवरी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 5th टिप जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा वो है कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मसल बिल्डिंग के टाइम पे आपको कार्डियो नहीं करना चाहिए, बट मैं ऐसा मानता हूँ आपको कार्डियो करना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मॉडरेट पेस कार्डियो करना चाहिए। थोड़ी साइकिलिंग कर लो या मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, दैट टू 20 मिनट्स हफ्ते में 3 से 5 सेशन, क्योंकि बाइसेप्स का जिस तरीके से ध्यान रखते हो, लेग्स का जिस तरीके से ध्यान रखते हो एज ए मसल, हार्ट भी एक मसल है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम करता है, यानी आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन सप्लाई पहुँचाता है। तो इसीलिए कार्डिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो। ऑल्सो कार्डियो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएगा। कैसे? जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ के 20 मिनट्स कार्डियो करने की आदत डाल लोगे तो आपके पूरे दिन भर में आपको काफ़ी समय मिल जाएगा
जिसमें आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हो, वर्कआउट प्लान कर सकते हो, और डिसिप्लिन मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कार्डियो करने से ना घबराएं। सिक्स्थ टिप है, नॉट ऑल सप्लीमेंट आर नेसेसरी। बहुत सारे लोग मसल बिल्डिंग के चक्कर में पूरा दिन भर सप्लीमेंट ही खाते रहते हैं और सारे सप्लीमेंट खाने शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें। सबसे पहले तो आपका नेचुरल डाइट जो है पूरे दिन का वो अच्छा होना चाहिए, बट यस, उसके बाद भी इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मसल बिल्डिंग, कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए, लाइक वे प्रोटीन, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट। इसलिए क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो आपकी रिकवरी के लिए, बिकॉज फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन है तो आपकी रिकवरी अच्छी करता है पोस्ट वर्कआउट। क्रिएटिन मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, तो आपको दिन में 5 ग्राम लेना चाहिए, उससे आपके मसल में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और प्री वर्कआउट, बिकॉज वर्कआउट से पहले आप कोई भी प्री वर्कआउट जब पीते हो वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आप अच्छा वर्कआउट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। तो अगली बार ध्यान रखें, सारे सप्लीमेंट ना खाने शुरू कर दें, नेचुरल डाइट अच्छी रखें और इन 3 सप्लीमेंट का सेवन ज़रूर करें। ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये छोटे छोटे टिप जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको आई एम श्योर मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह का कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखें और मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।